हेलो एवरीवन, दिस इज राडी स्टार, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने ब्रेजा के अंदर फॉगलैम इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, जो कि इसके लुक को बढ़ा देता है और साथ साथ एक रिक्वायर्ड एक्सेसरी भी है। तो जैसा कि आपको पता है कि VXi के अंदर फॉगलैम नहीं आता, बट प्रोविजन होता है। तो जो टॉप मॉडल में LED फॉगलैम आते हैं, वही मैं इसमें इंस्टॉल कराने जा रहा हूँ। और इसके अलावा फॉगलैम गार्निश भी क्रोम कलर की इंस्टॉल करूँगा। तो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ, और उसके बाद बात करते हैं कि इसके लुक में कितना चेंजेस आता है और इसकी विजिबिलिटी में भी कितना इम्प्रूवमेंट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये है जेन्युइन एक्सो सीरीज की फॉग लैम्प, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। ये LED है, और ये इसके कुछ हार्नेस, और ये है दो फॉग लैम्प। कपलिंग सिस्टम सारा ये वो तो है, कपलिंग टू कपलिंग होगा। और इसका स्विच कहाँ पर है? स्विच अंदर लगेगा सर। ठीक है, ओके। स्विच भी आपको दिखाता हूँ। ओके। तो अब ये वायरिंग का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं राइट साइड की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये तो दो दोनों साइड के जो फॉग लैंप है उनकी जो वायरिंग है हो चुकी है, और अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है। तो बैटरी में अभी कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो टर्मिनल्स हैं उनमें कनेक्शन हो रहा है अभी फॉग लैंप का। वायरिंग हो चुकी है, अभी इंटीरियर में भी वायरिंग जा चुकी है, और अब निगेटिव टर्मिनल्स के जो कनेक्शन है उनको कंप्लीट किया जा रहा है यहाँ पे। तो कनेक्शन बैटरी के साथ कंप्लीट हो चुका है, और वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हाउसिंग में फिक्स किया जाएगा LED फॉग लैम्प, और अंदर स्विच में उसको कनेक्ट किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर इसके जो रिले हैं उसको फिक्स किया जा रहा है। तो ये इसका रिले जो कि फिक्स हो चुका है यहाँ पर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो फॉग लैम्प असेंबली है उसमें जहाँ पर प्रोविज़न होता है फॉग लैम्प का, उसको भी कटिंग की जा रही है। और दूसरे साइड वाला जो फॉग लैम्प असेंबली है उसकी कटिंग की जा रही है। तो कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो टॉप मॉडल में आते हैं वही फॉग लैम्प हैं। अभी इनका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होगा। और इन्होंने जो टेक्निक अपनाई है वो है कि टायर को थोड़ा सा रोटेट करके और थोड़ा सा इस पार्ट को ओपन करके यहीं से जो वायरिंग है कंप्लीट कर दी जा रही है फॉग लैम्प की। तो ये लेफ्ट साइड का जो फॉग लैम्प है वो है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हाउसिंग में आ चुका है फॉग लैम्प, और पीछे से इसके जो वायरिंग है उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको कनेक्शन को किया जा रहा है, और ये कनेक्शन हो चुका है। तो राइट साइड की जो फॉग लैम्प है वो फिक्स हो चुकी है, और अभी इसका कनेक्शन वगैरह हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बम्पर में जो फॉग लैम्प है वो फिक्स हो चुका है, और ये है राइट साइड वाला। तो अभी इसकी जो हाउसिंग है उसको लगा दिया जाएगा। तो हाउसिंग भी लग चुकी है, और ये देखिए दोनों साइड की। तो एक्सटीरियर का काम हो चुका है, अब इंटीरियर में जो बटन होती है उसकी स्विच होती है उसको इंस्टॉल किया जा रहा है। तो ड्राइवर साइड के जो नीचे का जो प्लास्टिक क्लैडिंग है उसको ओपन कर रहे हैं हम, और अब ये जो हार्नेस है इसको फॉग लैम्प के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो अब ये कनेक्शन किया जा रहा है स्विच के साथ, और ये देखिए स्विच भी कनेक्ट हो गया है, और अब बाकी की वायरिंग को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ का भी काम कंप्लीट हो गया है, और अब दोनों वायरिंग को कनेक्ट कर दिया जाएगा, एंड इट्स रेडी। तो करीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगा। तो इंजन बे से जो वायरिंग आ रही थी वो ग्लो बॉक्स से नीचे से आती हुई यहाँ पर आ गई, और अब यहाँ से ड्राइवर साइड की तरफ इनको रूट कर रहे हैं, और वहाँ पर दोनों का कनेक्शन कर दिया जाएगा। देखिए हेडलाइट ऑन होगी, और अब ये देखिए फॉग लैम्प ऑन हो चुका है। तो देखिए फॉग लैम्प इंस्टॉल हो चुके हैं, कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। फॉग लैम्प गार्निश है, उसको भी फिक्स किया जाएगा। तो अब ये लेफ्ट साइड की जो हाउसिंग का क्रोम है उसको फिक्स किया जा रहा है, और ये भी फिक्स हो चुका है। ऑल डन, और सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, फटाफट काम हो गया। तो मैं अब कल सुबह आपको इसके बारे में डिटेल्स में दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे लग रही है। तो मिलते हैं कल सुबह।
सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जैसा कि आपको दिखाया था मैंने कल रात में अपने ब्रेजा में एलईडी फॉग लैम्प और जो फॉग लैम्प का क्रोम गार्निश होता है वो मैंने ऐड कराया था, बट रात ज़्यादा हो गई थी तो मैंने आपको दिखाया नहीं था ढंग से। सो एज यूजुअल पंजाब में फॉग और ठंड दोनों बढ़ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पार्क है हमारी ब्रेजा, तो अभी चलते हैं ब्रेजा के पास। तो ये है हमारी विटारा ब्रेजा विद एसेसरीज, आप देख सकते हैं, और बात करें जो मैंने एसेसरी ऐड करवाई है कल रात में वो है ये एलईडी फॉग लैम्प और फॉग लैम्प हाउसिंग का जो क्रोम होता है वो, और अभी मैं इनके लुक के बारे में बात करता हूँ। तो काफ़ी प्रीमियम है, वही जो टॉप मॉडल में आता है वो मैंने इसमें ऐड करवाया है। और बात करें वर्किंग की तो पार्किंग के साथ ही ऑन हो जाते हैं, दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये है फॉग लैम्प का स्विच, और अगर मैं यहाँ से इसकी पार्किंग को ऑन करता हूँ तो ये देखिए ऑन हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे दिखता है। तो आप देख सकते हैं पार्किंग के साथ ये फॉग लैम्प, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है ये। तो कुछ इस तरह से दिखते हैं जलते हुए, फुल एलईडी है और फ्रंट से जो है काफ़ी प्रीमियम लुक आने लगा है फॉग लैम्प लगने के बाद। तो अभी मैंने सारी लाइट्स ऑन कर दी हैं, आप देख सकते हो। तो जब सारी वाइट लाइट ऑन हो जाती है तो कुछ इस तरह से हमारी ब्रेजा लगती है, काफ़ी एलिगेंट इसका लुक है। और ये जो है डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प और यहाँ पर एलईडी फॉग लैम्प। तो फ्रंट से ये कम्प्लीट हो चुकी है, और ये थे कुछ इसके एलईडी फॉग लैम्प और फॉग लैम्प हाउसिंग का क्रोम। बात करें ऊपर तो आप देख सकते हैं मैंने साकफिन एंटीनेस में ऐड किया है और ये मैंने खुद ही किया है। तो देखा आपने एलईडी फॉग लैम्प लगने के बाद फ्रंट लुक में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया, एक कम्प्लीट सा लुक आ चुका है, और फॉग लैम्प गार्निश लगने के बाद एक थोड़ा सा प्रीमियम फील आने लगा है। बात करें विजिबिलिटी की तो आपको पता है कि एलईडीज में ज़्यादा विजिबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, फिर भी ओवरऑल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो गाइस ये था एक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस एलईडी फॉग लैम्प और फॉग लैम्प गार्निश का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बी सेफ एंड कीप ड्राइविंग। दिस इज राइडिंग स्टार साइनिंग ऑफ।